ने सिर्फ दो चीजें पढ़ी है। ओके अभी तक हम लोगों ने सिर्फ दो चीजें पढ़ी हैं। एक हम लोगों ने मैंने आपको पढ़ाया था प्रोडक्ट हंटिंग क्या होती है और एक प्रोडक्ट सोर्सिंग क्या होती है। आज हम लोगों ने शॉपिफाई को एक्सपर्ट तरीके से, जिसको कहते हैं ना एक्सपर्टीज के साथ सीख लेना, शॉपिफाई को एक्सपर्ट तरीके से कैसे सीखा जाता है आज वो सीख लेना। अब से आपकी क्लासेस डेली रेगुलर होगी, कल भी क्लास है, परसों भी क्लास है, ईद वाले दिन भी मे भी आपकी क्लास हो। अगर ना हुई तो वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, अदरवाइज आपकी ईद वाले दिन भी क्लास हो, ठीक है। अगर इन केस आपकी क्लास ना हुई तो यार अली आप ठीक है, अगर इन केस आपकी क्लास, अगर आपकी क्लास ना हुई तो मैं आप लोगों को ईद वाले दिन बता दूंगा, वरना क्लास होगी रात को, इजी हो गया, सारे बच्चे फ्री होते हैं, क्लास कर लेंगे क्योंकि बारबेक्यू ओवर होता है। अच्छा आज जो आप लोगों को तभी दो काम है आपके, एक प्रोडक्ट हंटिंग और एक प्रोडक्ट सोर्सिंग है, आप लोगों को दोनों चीजें समझ आ गई है, दैट्स ऑल। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, हम लोग आज आज जी नहीं भाई मेरे ख्याल से वो स्टीफन को ले गए हैं या ऊपर होंगे। अच्छा आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिकली, आज हमारा शॉपिफाई, शॉपिफाई को ना एक्सपर्ट तरीके से कि शॉपिफाई को क्या होता है। शॉपिफाई मैंने मेजोरिटी उस दिन कॉन्सेप्ट दिया था, आप लोगों के स्टोर डिलीवर्ड नहीं हुए, वही सुबह से हम लोगों ने स्टार्ट करने डिलीवर करना और वो स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। कल सुबह मॉर्निंग के अंदर उनके डिलीवरेशन हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। मैं ही बच्चों को कर रहा हूँ, कुछ बच्चों को मैंने डिलीवर किया, जिनको नहीं हुए सबर करो, सबको डिलीवर हो जाएंगे, ठीक है। तो सुबह से काम स्टार्ट हो जाना डिलीवरी का, हर बच्चे के ऊपर 5 मिनट लगेंगे, उसको लाइव लाना है बच्चे को, मतलब गूगल मीटिंग पे बुलाऊंगा उसको, प्रॉपर उसका स्टोर दिखाऊंगा, उसको स्टोर उसके पास थ्रू कर दूंगा, तो वो सुबह स्टार्ट हो जाएगा। आज हम लोगों ने शॉपिफाई को सीखना है, शॉपिफाई को सीखना बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके बिजनेस को ना, वो कहते हैं ना कि एक दुकान होती है, तो दुकान के ऊपर कौन सी चीज खरीदारी, कौन सी चीज को ऐड किया जा रहा है, कौन सी चीज को सेल किया जा रहा है। यार एक कॉल आ रही है, आप लोग वेट करो। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। यार मैं ना अभी ये क्लास दे, अस्सलाम वालेकुम, हाँ अली क्या कहूँ यार, मैं अभी क्लास दे रहा हूँ तो तुम लोग, तो आप एक काम करें ना, तो आप डिफेंस अरीना आ जाना, मैं बता दूंगा, मैसेज कर दूंगा, वहाँ से स्टार्ट कर, ऐसे मेरी गाड़ी भी उसी के पास है, हाँ डिफेंस अरीना आ जाना। ओके यहाँ लाइट नहीं आ रही इसलिए मैंने इसकी फ्लैश ऑन की हुई है, पता कैसे करा जाए। अच्छा हम लोग बात करते हैं शॉपिफाई के ऊपर, शॉपिफाई के ऊपर आप लोग, आपकी दुकान एक होती है जिस तरह आप एक फिजिकल स्टोर, एक्चुअल में ये समझो कि ये जिस तरह हाइपर स्टार होता है ना, हाइपर स्टार हो गया, अमाना मॉल हो गया, या लाहौर में फोर्ट्रेस हो गया, वो फिजिकल स्टोर है कि वहां आप जाके फिजिकली चीजें परचेज कर सकते हो। परचेजिंग यहां से भी फिजिकली हो रही है, लेकिन सिर्फ ये आपका ऑनलाइन ब्रांड है, ये आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहो तो इस ब्रांड को इतना सोचो, आप चाहो तो इस ब्रांड को पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड सोचो, ये आपकी सोच के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। अब उस ब्रांड का हिसाब किताब भी तो किसी चीज ने रखना है। शॉपिफाई बेसिकली, मैं आपको शॉपिफाई नहीं सिखा रहा, देखें अमेजोन सिर्फ एक टूल है, अमेजोन सिर्फ एक एप्लीकेशन है जिसको आप यूज करके मतलब चीजें सेल करते हो, यूएस में सेल करते हो, यूके में सेल करते हो। आपका असल जो आपकी मेन पावर है ना, वो तो शॉपिफाई सिर्फ आपको एनालिटिक्स दिखा रहा है। शॉपिफाई आपको ये नहीं बता रहा कि आपने इसको इधर से क्या करना है, क्या काम करना है, कैसे आपने बंदे ग्रैब करके लाने, वो तो आप मार्केटिंग कर रहे हो ना, वो तो अभी हम इंशाल्लाह कल से उसका काम, मेटा का काम स्टार्ट करेंगे। शॉपिफाई का सिर्फ इतना काम है, वो आपको ये बताता है आज इतने बंदे दुकान पे आए, उन्होंने ये प्रोडक्ट खरीदी, आप अपनी वेबसाइट पे इतनी ये प्रोडक्ट लगा लें। कोई चीज अपनी दुकान में जब हम ला के रखते हैं, शॉपिफाई वो काम करता है, और कोई बंदा उसे खरीदारी करके जाता है, शॉपिफाई वो काम करता है। दोबारा शॉपिफाई क्या काम करता है, कोई चीज हम अपनी दुकान में लाके रखते हैं, सिर्फ शॉपिफाई उसको अपनी दुकान में स्टोर करता है, मतलब एक वेबसाइट बनाता है। दूसरा शॉपिफाई सिर्फ ये काम करता है कि आपको दिखाता है कि आज कितने लोग हमारी वेबसाइट पे आए और उन्होंने आके चीजें पर सेलिंग करना स्टार्ट कर दी, ठीक है, बस और कुछ भी नहीं शॉपिफाई सिखाता, बाकी सारा कुछ मतलब फजूल होता है। दोबारा तीसरी दफा बता रहा हूं, क्या काम करता है,
सिर्फ ये बताता है कि मैंने आज आपने दुकान में ये चीज ऐड करनी है, मतलब अगर आपकी दुकान में फर्ज करो टूथपेस्ट सेल हो रही है और साबुन सेल कर रहे हो आप, ठीक है, लाइफ पर जरा सा लक्स, ठीक है, आप एक लक्स सेल कर रहे हो और एक टूथपेस्ट सेल कर रहे हो, अब दो चीजें आपकी दुकान में पड़ी हुई, और आपको फर्ज करो डेली के 5 बंदे आके खरीद के जा रहे हैं दोनों चीजें, शॉपिफाई आप एक मतलब लक्स के साथ एक लाइफ बॉय भी ऐड करना चाह रहे हो, तो शॉपिफाई ये हेल्प करेगा कि आपकी दुकान पे जहां दो चीजें पड़ी हुई ना वहां एक चीज और ऐड कर दे। यहां तक क्लियर समझ आ गई? अब मुझे यहां तक मैसेज करके बताओ कि आप लोगों को यहां तक समझ आ गई? ठीक है, समझ आ गई यहां तक? अब और शॉपिफाई आपको ये बताता है कि कौन आज कितने बंदे हैं, उन्होंने आपसे कौन सी चीज खरीदी, इसके अलावा शॉपिफाई का और कोई काम नहीं है। बाकी जो भी दुनिया में कहते हैं फजूल कहते हैं, मैं पिछले 4 साल से इस फील्ड में रूलर हूँ, यकीन करो लेक्चर जाया कर देंगे वो चीजें जो काम ही नहीं आनी, उनके ऊपर टाइम वेस्ट करते हैं, सिर्फ कह के थोड़ा बात को खींचना होता है। तो इससे अच्छा कि मैं वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दूं ताकि आप लोगों को इन फ्यूचर डिफिकल्ट ना हो, आपकी जिंदगी में यूज ही नहीं होगी फायदा, तो उस चीज को समझा। तो अभी मैं आप लोगों को स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगा कि शॉपिफाई बेसिकली है क्या, ठीक है? अगर तो मेरे स्टूडेंट का स्टोर खुल जाए ना, इसका अगर खुल गया तो वेल एंड गुड, नहीं खुलेगा तो कोई और खोल लेंगे। अच्छा तो क्या हुआ है? अच्छा ये स्टोर नहीं चल रहा, मैं आप लोगों को एक और स्टोर दिखा देता हूँ। यहाँ स्टोर पड़े होंगे यार, ये एक बच्चे का thestuff.pk पड़ा होगा, thestuff.pk Shopify। आज हम लोग सिर्फ Shopify को ना क्लियर सीखेंगे, क्लियर कट सीखेंगे, ठीक है? ये कौन सा स्टोर पड़ा हुआ है? thestuff.pk। ये भी मेरा एक स्टूडेंट है, पुराने बैच का स्टूडेंट है, उसका स्टोर पड़ा हुआ है, जिसने खैर अभी तक माशाल्लाह काम ही नहीं स्टार्ट किया, ये अभी आप लोगों के साथ दोबारा कोर्स कर रहे हैं। इसको कुछ चीज़ें समझ यार, ये कैसे रिमूव करना था? एक तो बंदा 2-3 दिन कोई चीज़ यूज ना करे उसको, मैं ऐसा बंदा भूल ही जाता हूँ। इसको करना था, हाँ ये ठीक है ये। अच्छा ये देखो, अब गौर से जिन्होंने लेक्चर नहीं लिया था कोई मसला नहीं, जिन्होंने लेक्चर लिया हुआ तो दोबारा सीख लो, लेकिन जो मेन चीजें थी वो मैंने खैर बताई नहीं थी, मैंने बाकी ऊपर ऊपर से बताया था कि ये काम होता है, ठीक है? अब आप लोगों को जब स्टोर हैंडओवर किया जाएगा ना, इस भाई ने इस तरह का स्टोर हैंडओवर होगा, ठीक है? ये थीम होगा आप सबके पास, ये वाला। अब इसने कस्टमाइज नहीं किया हुआ है, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा वेबसाइट कैसे कस्टमाइज करते हैं, बिल्कुल सिंपल है। इसको मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ, चलो निकलो, शाबाश। ये हमारे पास शॉपिफाई है, ये आपकी दुकान है। अब गौर से मेरी चीज समझ लेंगे, ठीक है? एक आपकी दुकान है जिसको कहते हैं फ्रंट एंड कहते हैं, ठीक है? दुकान को क्या कहते हैं? फ्रंट एंड। फ्रंट एंड मतलब जो चीज सामने लोगों को नजर आनी है, लोगों ने तो वेबसाइट से चीजें परचेज करनी है, तो मतलब उनको तो सिंपल एक वेबसाइट नजर आनी है ना। अब वेबसाइट से जो चीजें परचेज होनी है और उसको हमें कैसे पता लगेगा कौन सा बंदा क्या चीज खरीद के गया, वो बैक एंड है, वो सिर्फ हमारे पास होता है। एग्जाम्पल मैं इसकी जैसे देता हूँ, आप दुकान पे जाते हो, आपने वहां से लेज खरीदते हो, अब दुकान के ऊपर कितनी चीजें पड़ी होती हैं, लेकिन आप लेज खरीदने जाते हो तो सिर्फ आपने सिर्फ लेज खरीदी, उसका जो डेटा यार आपके पास घर के पास, अब हम आर्मी के, मेरे बाबा आर्मी में, तो हमारे घर के पास ना CSD होती है, ठीक है? आर्मी का, आर्मी वाले ना CSD जाते हैं, या आप कह लो हाइपर स्टार होता है, हाइपर स्टार के ऊपर आप चीजें खरीदते हो, खरीदने के बाद वो देखो सारा डेटा एंटर कर रहे होते हैं, वो जो एंटर करके जहां उनको एक फिक्स वैल्यू मिलती है ना कि इस महीने इतना प्रॉफिट हुआ, आज के दिन की इतनी सेल्स हुई, उसे कहते हैं बैकएंड। वो हर बंदा नहीं देख सकता, आप दुकानदार, आप वैसे आपके दोस्त होंगे उनसे जाके पूछ लो यार तुमने कितना कमाया, वो बता देंगे। एक चीज होती है, एक आप कभी फिजिकल जो ऑन बड़े स्टोर्स होते हैं उनकी आप कमाई नहीं देख सकते, वो जो कमाई होती है ना आपकी, वो सिर्फ आपको मैंने, अब जैसे मैंने आपको वो लड़की की सेल शेयर की पहले 10 दिन की,
उसने 1,17,000 की सेल्स की आई थिंक सो, ठीक है, 17 की थी, पता नहीं 18 की थी, ठीक है। वो जो चीज थी ना, वो उसका बैकएंड था। वो सिर्फ आपको मैंने इसलिए दिखाने का पर्पस था कि आप लोग थोड़ा मोटिवेट हो, ठीक है। वो अभी आप भी क्लास में बैठी हुई है वो लड़की, तो वो जो 1,17,000 या 18,000 की सेल्स थी ना, वो उस लड़की को ही पता है। आपके सामने तो उसकी इस तरह की सिंपल एक वेबसाइट होगी। सो ये जो वेबसाइट होती है ना, ये आपका होता है फ्रंट एंड, जो हर बंदा देख सकता है। ये जो शॉपिफाई होता है ना, ये हर बंदा नहीं देख सकता, ये सिर्फ आप ही देख सकते हो। इसका इससे पता ये पता चलाएगा कि आपको कितनी कमाई हुई कितनी, और इसका कोई काम नहीं है। ये जो लोग कहते हैं ना कि हाँ हम आपको शॉपिफाई सिखाएंगे, भाई इसमें सिखाने वाला है क्या? ऑर्डर का इसमें पहला ऑर्डर देख लेना, शॉपिफाई में क्या सीखने वाला है? अब ये मार्केटिंग एनालिटिक्स, ये तो यूज नहीं होते यार पाकिस्तान में, ये बाहर भी यूज नहीं होते इंटरनेशनल मार्केट में। मेरे काफी ज्यादा बच्चे इंटरनेशनली काम कर रहे हैं, वो पाकिस्तान में भी कर रहे हैं, वो इंटरनेशनली भी कर रहे हैं, कहीं भी यूज नहीं होते। अब आप विल स्मिथ को थोड़ी, अब हम पाकिस्तान में क्या होता है, हमारे तो सस्ते वो एक्टर्स होते हैं, हम उनको इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग कर लेते हैं। जिसको जन्नत मिर्जा के 4 फॉलोअर्स बढ़ गए, माशाल्लाह उसके 4 नहीं काफी ज्यादा फॉलोअर्स हैं उसके बढ़ गए, हम उसको पीआर पैकेज भेजेंगे और वो हमारी प्रमोशन कर देगी। कितनी देर वो प्रमोशन चलेगी? उसको तो डेली बेसिस पे पता नहीं कितने आते होंगे। सो इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग बाहर ज्यादा है, पाकिस्तान में इसका इतना रिवाज नहीं है, ठीक है। बाहर जो लोग बाहर से देख रहे हैं, वहां भी इन्फ्लुएंसिंग मार्केट चलती है, लेकिन उसके लिए पैसा बड़ा इन्वेस्ट करना पड़ता है। आपको पता है, आपको 1-1 लाख डॉलर इन्वेस्ट करना पड़ता है। हम तो काम ही वो करें कि हम छोटे से स्टार्ट करें, बिजनेस को ऐसे स्केल करें, ठीक है। सो अब मैं आप लोगों को बताऊंगा, आज हम उस दिन हमने 2 चीजें नहीं की थी, ठीक है। अब इतना तो मेरे भेजे में बात रहती है कि उस दिन हम लोगों ने प्रोडक्ट को नहीं किया था, सेक्शन को और ऑनलाइन स्टोर को नहीं किया था, बाकी हमने सारा कवर किया था। आज हम दोबारा शुरू से करेंगे, आज सिर्फ शॉपिफाई समझाना है और एक्सपर्ट करना है। और जो चीज़ मैं आज समझाऊंगा ना, अच्छा मैं आप लोगों को एक चीज़ दोबारा क्लैरिफाई कर दूं। देखो मैं कोई एक पहले बात बताऊं, देखो अल्लाह ताला ने ना हर इंसान को एक इलम दिया हुआ है, मेरा इलम भी एक लिमिटेड है। जितना मैंने 4 साल में सीखा है ना, मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि मुझे जहां तक है, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर आप ये बात जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ना, आप एक सोसाइटी, कोई भी सोसाइटी में चले जाओ, किसी भी इंस्टीट्यूट चले जाओ, आप उनमें जाके जब डिस्कशन करोगे ना, तो यू आर ऑन द टॉप रैंक, आप टॉप रैंकिंग में आ जाओगे। मुझे इस चीज का पता है, क्योंकि आपको मैं पॉइंट्स जो बताता हूँ ना, वो बड़े क्लैरिफाइड होते हैं और उसके पीछे ना बड़ी वो होती है, रिसर्च होती है, ठीक है। अब जो लेक्चर आप लेते हो ना मेरे से लेने के बाद, एक दफा कोई मसला नहीं यार, 1 घंटा ही सुन लोगे ना, 1 घंटा लेक्चर सुन लोगे, कुछ भी नहीं होता। साथ में सिद्धू मूसे वाले के गाने लगाया करो चुप करके। अब मैं मार्केटिंग करता था ना, मुझे पहले तो गोरों को सुनने का मेरा दिल ही नहीं करता था उस टाइम नहीं करता था, अब स्टार्ट किया था। तो मैं इवन क्या करता होता था, मैं सिंपली ये करता था कि मैं ना गाने लगा लेता था और उनका ना जो सब टाइटल आ रहा होता था, मैं वो उसको देखता रहता था, देखता रहता था, तो मुझे समझ आती थी हाँ ये इसमें ये बंदा ये बात कह रहा है, ठीक है। तो आप लोगों ने भी सिंपल ये करना है, मैं देखने वाला हूँ। अच्छा, आप लोगों ने भी सिंपल ये करना है कि जो चीज मैं एक दफा पढ़ा रहा हूँ ना कहीं, उसको एक दफा रिवाइज जरूर किया करो। कोशिश करके ना उसको एक दफा रिवाइज करोगे ना, तो आपको वो चीज इतनी क्लियर हो जाएगी ना, 100% क्लियर हो जाएगी आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे ना। अच्छा, आप इस बात के आइडिया यहाँ से लगाओ, आज जो मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, आप आपके क्वेश्चन होंगे, आज मैं आपको बेशक आंसर नहीं करता, कल की क्लास में आपके जो क्वेश्चन होंगे ना, उन्हें आज आपने लिख लेना है। इस क्लास को दोबारा रिपीट करना, आपके आपको इसी क्लास के अंदर उस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएंगे, 100% गारंटी की बात कह रहा हूँ। फर्स्ट टाइम जब इंसान कोई चीज सुनता है ना, मैं भी उसको समझ चीजें समझना आती हूँ, लेकिन जब वो एक दफा उसी चीज को रिपीट करता है ना, उसको क्लैरिफाई हो जाता है, ठीक है। अब ये शॉपिफाई है, ठीक है। आप जब शॉपिफाई ओपन करते हैं ना, जब आप शॉपिफाई ओपन करते हैं, मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो आप सबसे पहले आपके पास ये होगा, ठीक है। अब इस बच्चे ने काम नहीं स्टार्ट किया, इसलिए सिंपल इसका अभी वेबसाइट बनी है, इसका स्टोर बना हुआ है, ये आप ही के कोर्स का बच्चा है, ठीक है, द स्टफ डॉट पी के नाम है इसका। अब ये देखो, ये इसकी वेबसाइट है, आप लोगों को भी इस तरह की वेबसाइट मिलेगी, इसके अंदर हम चेंजिंग वगैरह खुद करेंगे, वो भी मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। दोबारा बता रहा हूँ, 10 दफा कहोगे मैं वॉर्न करने को बता रहा हूँ, जब तक आप मेरा लेक्चर 2 दफा रिवाइज नहीं करोगे ना, आप यकीन करो मैं इस चीज की गारंटी देता हूँ, आप पाकिस्तान के सबसे बड़े डिजिटल मार्केटर, मैं अपनी बात नहीं करता नाउसु बिल्ला, पाकिस्तान के सबसे बड़े डिजिटल मार्केटर की तरफ की से कोर्स कर लो और सोने के तख्त पे बैठ के कोर्स कर लो, आपको तब तक चीज समझ नहीं आएगी जब तक आप उसे प्रैक्टिकल नहीं करोगे। अभी आप मुझे थ्योरेटिकल सुन रहे हो, सिर्फ सुन रहे हो, एक्शन मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं यहाँ बैठ के एक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ, आप मुझे थ्योरेटिकल सुन रहे हो, सिर्फ सुन रहे हो। देखने में और काम करने में बड़ा जमीन आसमान का फर्क होता है, ठीक है। सो जब आप ये लेक्चर ले लोगे, 10 मिनट का स्टे लो, आधे घंटे का स्टे लो, घंटे का स्टे लो,
फ्री टाइम निकालने के बाद एक दफा दोबारा लेक्चर को सुनो, साथ साथ जो मैं बातें बता रहा हूँ उसको काम को करो, और मैं कहता हूँ कसम खा के कहता हूँ आपको, आपको चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब ये हमारे पास शॉप, ये आपकी वेबसाइट, आप लोगों को इस तरह की एक वेबसाइट मिलेगी, ठीक है, इस तरह की देखो। और उसके इसने इस भाई ने थोड़ा रिमूव किया हुआ, उसके यहाँ लिखा हुआ था 30% डिस्काउंट ऑफ लिखा होगा। अब आप लोगों को पास शॉपिफाई मैंने ओपन कर लिया, ये शॉपिफाई, ये वेबसाइट और ये इसका बैकएंड। कोई बंदा यहाँ से चीज खरीदेगा ना तो हमें इस जगह पे पता लगेगा, शॉपिफाई के ऊपर पता लगेगा, ठीक है, ये चीज मैंने बता दी। अब यहाँ तक जो मैंने समझाया, मुझे पहले सारे क्लियर, आप लोगों को यहाँ तक क्लियर है सारा कुछ, मुझे बताओ यहाँ तक जो समझाया क्लियर है? समझाया कुछ नहीं है तो क्लियर क्या होना है? जोहेब कह रहे मैं लेट आया हूँ, कोई मसला नहीं यार, कितने साल हो गए दुनिया में आए हुए? 18-19 साल के तो हो गए इंशाल्लाह, जल्दी आ गए बहुत। ठीक है, दोबारा रिपीट कर लेना यार, कोई मसला नहीं, इजी सीन है। ठीक है, सो ये आप लोगों के पास वेबसाइट है, एक आपकी वेबसाइट होगी जो आपने डोमेन सेलेक्ट की है दोबारा। अच्छा, जो आपने डोमेन, डोमेन का मतलब होता है आपका ब्रांड नेम, जैसे ये द स्टफ डॉट पी के, ये जो जो भी भाई है इन्होंने, इसका नाम अनस है, इस लड़के का नाम अनस है, अनस का, अनस की डोमेन, क्योंकि ये मेरे पिछले स्टूडेंट बैच का स्टूडेंट है तो इसको कुछ चीज़ें सही नहीं समझ आई थी, तो इसको मैंने दोबारा कहा कि आप इस कोर्स में आओ। तो जिन बच्चों को नहीं समझ आती फिर मैंने दोबारा अगले कोर्स में एनरोल कर देता ताकि उनके मेजर जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर हो जाए। ठीक है, अब ये द स्टफ डॉट पी के इस भाई का ये स्टोर है, ये डोमेन नेम है, मतलब इसके ब्रांड का नेम है द स्टफ डॉट पी के, और ये इसकी शॉपिफाई की वेबसाइट है, मतलब ये इसका बैकएंड है। अब अगर हम बात करें, बैकएंड की, यहाँ सबसे जो पहली ऑप्शन होती है वो होम की ऑप्शन होती है, पहली ऑप्शन, राइट। और देखो इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, और आप लोगों को नजर आ रही होगी कि यहाँ कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रही, देखो कोई नहीं, यहाँ से आप इसको लॉग आउट करते हो बस, और कुछ भी नहीं है। यहाँ जो पहली ऑप्शन है ना वो आपके पास है होम की ऑप्शन, इसके अंदर कुछ भी नहीं करना, ये ऑप्शन दुनिया की जलील तरीन और फजूल तरीन ऑप्शन है, इसको बेशक आप डिसमिस कर दो, बस बात खत्म हो गई। अब इस ऑप्शन में बचा ही गया, ये आपको सेल्स बताएगा। अभी इसकी सेल्स देखो, अभी इसने कंपेन रन नहीं की हुई, लेकिन इसको देखो लाइव, इसको अभी भी 81 सेशंस आ चुके हैं, ठीक है, तो इसने अभी कंपेन रन नहीं की और इसे 81 सेशंस आ चुके हैं, ये मैं बताऊंगा क्यों आते हैं। ठीक है, अभी देखो ये कह रहा है कि इसका जो लिक्विडाइज थीम था उसके ऊपर सेशंस इसको आए 9 अप्रैल से लेके अभी सेशन है। मैं ये बताता हूँ, सेशंस का मतलब होता है कितने लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर आके आपकी वेबसाइट देखते हैं, कितने, देखो एक होता है विंडो शॉपिंग कहते हैं, विंडो शॉपिंग कहते हैं उसे मुझे पता नहीं है, एक होता है, मैं बड़ा देसी सा बंदा हूँ, एक चीज़ होती है कि हम फोर्ट्रेस जाते हैं, फोर्ट्रेस जाने के बाद अब अगर 100 बंदा फोर्ट्रेस गया तो क्या 100 के 100 बंदे फोर्ट्रेस में से चीज़ें खरीदेंगे? नहीं, मे बी अंदर से 30 बंदे खरीदेंगे, होता है ना, ये नेचुरल सी चीज़ है। आप पूरी फैमिली जाते हो तो क्या पूरी फैमिली चीज़ें खरीदते हो? नहीं, आप में से 1 से 2 बंदे होंगे जो चीज खरीदेंगे, या आप किसी दोस्त के साथ फोर्ट्रेस चले गए, हाइपरस्टार चले गए, या अमाना मॉल या सेंटोरस चले गए। आप सेंटोरस जाके क्या करते हो? दोस्त के साथ गए, दोस्त के साथ जाते हो, काम उसने खरीदना होता है, चीज उसने खरीदनी होती है, लेकिन आप उसके साथ चले जाते हो। तो क्या कि आप अगर चार चार दोस्त गए हो, एक ने चीज खरीदी, तो मतलब कि 4 में से 1 बंदा था जिसने चीज खरीदी, तो इसमें 81 में से मे बी 10 बंदे ऐसे जिन्होंने चीज खरीदी हो, बाकी सारे सिर्फ देख के चले गए। ठीक है, और दूसरे लोगों को चस्का बड़ा होता है, पाकिस्तानी में चस्का बड़ा होता है, मुझे खुद बड़ा है। हम ना चीज़ देखेंगे, पसंद आ गई, पहले उसकी प्राइस पूछेंगे, देखेंगे प्राइस कितना, वो सारा सिर्फ ऑनलाइन शो या आपकी वेबसाइट बनती है ना, इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो वेबसाइट है ना सिर्फ एक वेबसाइट है, मतलब एक ब्रांड है, फिजिकल ब्रांड है, कस्टमर को चीज़ तो फिजिकली जा रही है ना, कस्टमर को आप ये फर्ज करो ये चाकू है, ओहो ऐसी चीज़ें नहीं दिखाते, ये मोस्पल है, ठीक है, ये मच्छर लड़ने वाला, ये एक तो मच्छर बड़ा आ गया पता नहीं कहाँ से यार, ये मॉस्पल है। अब इस मॉस्पल को अगर कोई अपनी, मैंने अपनी वेबसाइट पे इसकी पिक्चर लगाई हुई है, कस्टमर मेरी वेबसाइट पे आता है वहां से परचेज करता है, बेचनी तो मैंने उसे फिजिकल प्रोडक्ट ही है ना, बेचनी तो मैंने उसे मॉस्पल ही है, मॉस्पल भेजूंगा तो वो भाई मतलब मेरे से कोई चीज खरीदेगा ना, यही है। अब क्या होता है, लोगों को फिजिकल शॉपिंग करने के लिए बाजार जाना पड़ता है, सेंटोरस जाना पड़ता है, या इस इनको खरीदने के लिए लोगों को एक भी नहीं जाना पड़ता, वो वेबसाइट ऑर्डर करते हैं, उनको घर चली जाती चीज, चीजें दोनों जगहों पे एक ही चीज चल रही है। ठीक है, सो टोटल सेशंस के ऊपर क्या आता है, 81 लोग इस भाई की वेबसाइट के ऊपर आज विजिट करके गए हैं, ये देखो इसकी इसके ऊपर से बता रहा है कि अच्छा आज इसके ऊपर 2 सेशंस आए हैं, 2 लोग, ये देखो अब मैं आपको इसको समझाता हूँ। होम के ऊपर वो कह रहे हैं कि टोटल जब से ये वेबसाइट बनी है, जब से
ये वेबसाइट बनी है तब से लेके आज तक टोटल 81 लोग इसकी वेबसाइट पे विजिट करके गए हैं, और ये किधर लोकेशन भी बताता है। आप इस पे क्लिक करो तो ये आपको लोकेशन बताएगा कि आपको एक बंदा आपकी तो विजिटर्स राइट नाउ अभी कितने विजिटर्स इसको देख रहे हैं, वो कह रहे हैं एक विजिटर्स देख रहा है। कहाँ टोटल सेशन कितने में, आज दो लोगों ने इसकी वेबसाइट पे वेबसाइट को ओपन किया है। पीछे चला था भाई, ये देखो ये कह रहा है कि आज दो एक बंदा भी देख रहा है, वो मैं हूँ। मैं इसकी वेबसाइट को देख रहा हूँ क्योंकि मैंने साथ खोली हुई है, तो ये बता रहा है कि एक बंदा अभी आपकी वेबसाइट को देख रहा है, और वो कह रहा है एक दो सेशन आज दो लोगों ने इसकी वेबसाइट को देखा, क्योंकि इसने कंप्लीटली रन की थी तो लोगों ने क्यों देखना है। वो बता रहा है कि कौन कौन सी लोकेशन से देखे। अब ये कह रहा है कि वाह कैंट, ये जिस भाई का स्टोर है ना वो वाह कैंट में रहता है, तो कह रहा है वाह कैंट से एक बंदे ने इसको देखा है, ठीक है ना। उन्होंने एक्टिव कार्ड किया, ना उन्होंने चेक इन किया, ना उन्होंने परचेज किया, कि कंपेन नहीं चली तो उन्होंने ना उन्होंने मतलब देखी है प्रोडक्ट, ना उन्होंने प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है, और ना उन्होंने चीज को परचेज किया क्योंकि कंपेन नहीं चली थी। तो पहला जो आपके पास होता है ना होम, ये आपके पास बिल्कुल फजूल चीज होती है, इसको आपने कभी जिंदगी में देखना ही नहीं है। समझाने का मकसद जरूर है क्योंकि समझाना इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर के अंदर आ जाओ, कोई बंदा जब आपकी वेबसाइट पे आके कोई चीज ऑर्डर करता है, फर्ज करो कोई बंदा आपकी वेबसाइट पे आता है, वो आके चीज ऑर्डर करता है, वो ये फोन परचेज कर लेता है, या वो इधर आके वो आपसे एक ये एसी का रिमोट परचेज कर लेता है, फर्ज कर लो फॉर इंस्टेंस एसी का, तो आपको यहाँ नजर आएगा उस बंदे का भी। हम ऑर्डर करके मैं आपको दिखाऊंगा भी कि कैसे आपको ऑर्डर आता है, कैसे आपने करनी। तो यार हाँ, मैंने एक चीज आप लोगों को बतानी थी, मैं भूल गया। बड़े बच्चों के मुझसे क्वेश्चन थे कि हमजा भाई हमें ये बताएं कि हम चीज को ऑर्डर कैसे करेंगे। यार आपको ऑर्डर आ जाएगा ना, आपने चीज भी आपके पास होगी क्योंकि आप सोर्स कर लोगे, आपने सिंपल क्या करना है, वो चीज को पार्सल करना ही नहीं है, आपने सिंपल जाके कॉल कुरियर के दफ्तर रखा नहीं है, घर से उन्हें सब कस्टमर का एड्रेस नाम वगैरह सेंड कर देना है और जाकर उनके दफ्तर रखा नहीं है, उन्होंने खुद पैक करना है, खुद पार्सल करना है, उन्होंने सेंड कर देना, ये उनकी सरदर्द है, ये आपकी मैंने उस दिन भी बताया था। आप लोग, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, कोर्स करने का बिल्कुल फायदा नहीं होना अगर आप मेरी वीडियोस को दोबारा नहीं देखोगे। ये जो कोरियर कंपनीज होती है ना, इनको आपके बिजनेस की जरूरत होती है, आपको इनके बिजनेस की जरूरत नहीं होती। आप शॉपिफाई फर्ज करो ना चलाओ, आपको तो मसला ही कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि आप अगर आप एक ब्रांड रन नहीं कर रहे, कोई मसला नहीं यार। एक्चुअल में ब्रांड रन करने वो देखो वो एक कोरियर कंपनी है, ठीक है, उससे आपके बिजनेस की जरूरत है, क्योंकि आपके पार्सल्स उसके थ्रू जाएंगे तो उसे प्रॉफिट होगा ना, उसको अंदर से 100 रुपया बचता है, 200 रुपया बचता है, 300 रुपया बचता है, वो उसकी सरदर्द है। लेकिन अगर आप अपने वेबसाइट अगर मतलब आप हो, आप उनको नहीं लेते, मतलब उनके थ्रू कोरियर नहीं करते, तो आपको तो कोई नुकसान नहीं है। मैं आज सब कुछ बंद करके बैठ जाऊँ, मैं अपना स्टोर बंद करके बैठ जाऊँ, वो मेरा सरदर्द है कि मैं बंद करके बैठा हूँ, लेकिन कोरियर कंपनी को मेरे बिजनेस की जरूरत है, क्योंकि वो तो पाकिस्तान के अंदर फैली हुई है ना, उन्होंने कितने एम्प्लॉयज हैं। आपके बिजनेस का कोई एम्प्लॉय नहीं है, आपको किसी को सैलरी नहीं देनी, कुछ नहीं करना, सिर्फ आपका लैपटॉप और आप। सो ये चीज़ होती है कि कंपनीज को आपकी जरूरत होती है, तो कंपनीज आपको अपने कस्टमर को वैल्यू ऐड करती हैं, ठीक है। सो ये पैकेजिंग सब कुछ उन्होंने करना होता है, सोर्सिंग वाला मसला नहीं है, वो उन्होंने करना है। ऑर्डर्स के अंदर आपको नजर आएगा कि किस बंदे ने आपको कब ऑर्डर प्लेस किया, कौन सी प्रोडक्ट की ऑर्डर प्लेस किया। अभी देखो ऑर्डर के नीचे जैसे मैंने क्लिक किया ना, मैं जैसे होम पे क्लिक करता हूँ, तो ये ऑर्डर, और जब मैं ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ ना, तो मेरे सामने दो ऑप्शन आ जाती है, सब ऑप्शन, ठीक है, एक ड्राफ्ट है और एक अबेंडन चेक आउट है। अब ड्राफ्ट वो ऑर्डर होता है कि आपसे कोई कस्टमर कहता है कि मेरा ऑर्डर प्लेस कर दो, आपसे कोई कस्टमर व्हाट्सएप पे कहता है कि मेरा इस प्रोडक्ट का ना मेरा एक ऑर्डर प्लेस कर दो, आप कहते हो ठीक है मैंने कर दिया, आपने उसका ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब थोड़ी देर बाद उसका फोन आता है, उसका सरदर्द घूमता है, सर घूमता है, तो वो ना ऑर्डर कहता है कि मेरा कैंसिल कर दो। वैसे ऐसा यकीन करो नहीं होता, कभी जिंदगी नहीं हुआ। मैं पिछले चार पाँच सालों से काम कर रहा हूँ, अभी कोई पूरी वक्त भी नहीं आता कब से कर रहा हूँ, साढ़े चार पाँच सालों से, मेरे साथ एक से दो से तीन दफा हुआ, बस एक दो तीन दफा ही हुआ है, ठीक है, इससे ज्यादा कभी भी नहीं होता। लेकिन शॉपिफाई ने एक ऑप्शन ऐड की हुई है, तो समझाना तो फर्ज बनता है। तो एक कस्टमर ऑर्डर करता है, लेकिन वो कहता है बाद में कि मेरा ऑर्डर कैंसिल कर दो, तो फिर आप उसका ऑर्डर ड्राफ्ट में कर देते हो, राइट, उस ऑर्डर पर राइट में क्लिक करते हो, उसको ड्राफ्ट में सेंड कर देते हो। मैं भी करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। आ गया था अबेंडन चेकआउट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑप्शन, अबेंडन चेकआउट बड़ा ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। अबेंड आप लोगों ना पिक्सल्स इंस्टॉल होंगे आगे जाके कोर्स के अंदर, पिक्सल्स जो होंगे ना वो बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। पिक्सल्स क्या करते हैं कि ऑडियंस, जो बंदा भी, जो कुत्ता बिल्ला आपकी वेबसाइट पे आ रहा है ना, मैं किसी को कह नहीं रहा, वैसे कह रहा हूँ, ठीक है, उसको ट्रैक कर लेंगे,
उसको जो है ना, जो बंदा आपकी वेबसाइट पे आ रहा है वो जो पिक्सल्स होंगे ना वो उसका डेटा फेच कर लेंगे, उसको क्या करेंगे उसका जो डेटा, स्टीफन बैठ जाओ, सेट सेट यार वो मेरा डोगी है इधर। अच्छा आपकी जो वेबसाइट पे जितने भी बंदे आ रहे होंगे ना, जो भाई देखते कौन आया। अच्छा मैं क्या था, पिक्सल्स होंगे ना, पिक्सल्स आपकी वेबसाइट के ऊपर जितने भी लोग आ रहे होंगे, जो लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर आ रहे हैं पिक्सल्स क्या करेंगे उनका डाटा स्टोर करते रहेंगे ऑटोमेटिकली। फिर पिक्सल आइडिया लगाएंगे, फेसबुक के अंदर एक ऑप्शन होगी, आइडिया लगाएंगे कि उसके वो उनमें से कौन सा बंदा इंटरेस्टेड था लेने में, कौन सा बंदा आपकी वेबसाइट पे आया उसने चीज नहीं खरीदी लेकिन उसने अपना इंटरेस्ट शो किया। यार एक मिनट यार, ये स्टीफन को ले जाओ भाई यार, हाँ इसको पार्क वगैरह में ले जाओ, गंदा बच्चा। तो पिक्सल्स क्या करते हैं, पिक्सल्स ये करते हैं कि वो आपकी ऑडियंस होती है ना, ऑडियंस होती है जो लोग आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं, जैसे मैं आपकी वेबसाइट, मैंने चीज खरीदनी जरूर थी, मैंने इंटरेस्ट जरूर शो किया लेकिन मैं एक चीज खरीदी नहीं, वो ड्यू टू कुछ भी कोई भी रीजन पिक्सल उसे फेच कर लेगा। फिर पिक्सल आपको डाटा देखता कि सर ये डाटा है इसको रीटारगेट करो, फिर आप उसको रीटारगेट करोगे ना वो बंदा ऐसे ग्रैप होगा ऐसे। इसकी एग्जांपल ऐसे देता हूँ, आप जब केएफसी जाते हो, अभी मैं थोड़ी देर पहले गया हुआ था, अभी वो गाड़ी में पड़ा, मैं आप लोगों को नहीं तो दिखाता, जाके भी मैं गाड़ी में जाऊंगा फिर उन चीज का। ये आपको बड़ी कॉमन एग्जांपल है, आप केएफसी जाते हो, आप केएफसी जाने के बाद आपको पता है आप जब वहां से कोई क्रंच बर्गर लेते हो या आप कोई भी डील लेते हो, कुछ भी लेते हो, आपको चार से पांच केचप जरूर देते हैं। बर्गर एक होता है, क्रंच जिंगर एक होता है, जिंगर जो होता है, हम बर्गर बॉय ठीक है जो बर्गर होता है ना बर्गर, वो बर्गर जो होता है वो क्रंच जिंगर जो होता है वो जिंगर एक होता है, लेकिन उसके साथ चार से पांच केचप जरूर मिलते हैं। केएफसी वाले चार देते हैं, सब मुझे केएफसी का पता है ठीक है, कि वही बर्गर बच्चे हम बर्गर केएफसी खाने जाते हैं ठीक है। तो केएफसी क्या होता है, आपको चार जिंगर मिलते हैं ठीक है। यार मैं देसी खुराकें खाने वाला बंदा हूँ, बर्गरों शर्गरों पर यकीन नहीं रखता, अभी खा के तो चार आपको ना कैचअप्स मिलते हैं, वो एक्चुअल में वो जो कैचअप होते हैं ना वो रीटारगेटिंग स्ट्रेटेजी होती है। ये आप लोगों को पहले बात किसी ने नहीं, बड़ी बड़ी इंप्रेसिव बात है। जब आप केएफसी जाते हो आप उनको, आप सुबह आजमा के देखना, आप सुबह केएफसी चले जाना, उनको कहना मुझे क्रंच ऑर्डर कर दो, वो क्रंच के साथ ना आपको चार पैकेट देंगे, दो टमाटर कैचअप होंगे और दो चिली गार्लिक सॉस होंगे, चार कैचअप देंगे। हालांकि एक जिंगर के साथ एक टमाटो कैचअप और एक चिली गार्लिक सॉस इनफ होता है, बाकी ये दो क्यों देते हैं, ये इसलिए देते हैं ताकि या तो आप इन्हें फेंक दोगे, अब देखो मैंने वो फेंके नहीं, वो मेरी गाड़ी में पड़े हुए हैं, अब मैं दोबारा जब गाड़ी में बैठूंगा ना तो मेरा माइंड क्लिक करेगा यार हाँ यार केएफसी जानता हूँ। और ट्रस्ट मी सच्ची बात बताऊँ, मैं आज भी सिर्फ उन कैचअप, आज पहले कैचअप्स पड़े हुए थे, उन कैचअप्स को देख के मैं गया, और मेरी एक दोस्त थी उसको मैंने कॉल की, मैंने कहा मैं आ रहा हूँ चलो चलते, कहती ठीक है डन, मैं केएफसी चले गए ठीक है, पूरा हमारी पूरी क्लास गई थी, सिर्फ क्यों मेरा दिल किया उन कैचअप्स को, ये रीटारगेटिंग स्ट्रेटेजी है और ये होता है। अब आप लोग पहले बताओ, आप लोगों को लगे कि मैं हवा में छोड़ गया, किसी के साथ नहीं होता, अब पता नहीं आप लोगों के साथ ना होता हो, मैं ही कहता रहूँ कि होता है होता है, पहले बताओ किसी के साथ हुआ है ये, शुक्र है कोई एक तो अपने जैसा निकला, जूम यूजर कह रहे हैं होता है, अबू बकर कह रहे नहीं, अबू बकर यार थोड़ा खर्चा किया करो, होगा जरूर ठीक है इतना महंगा नहीं आता, मेरे साथ 250 के ज्यादा से ज्यादा, या जब कमाओगे तो अल्लाह ताला तुम्हें बहुत देंगे ठीक है। सो ये क्या होता है, ये रीटारगेटिंग स्ट्रेटजी होती है, ब्रांड्स रीटारगेट। अब देखो ना आप केएफसी से एक चीज, एक दफा एक चीज कहो, मे बी आपका बैड इंप्रेशन रोड जाए उसका, आपको चीज अच्छी ना लगे, आपको सिंगर अच्छा ना लगे, आपने कहना इसको भूख लगी हुई है इसे इधर अंदर भेज दो मेरे पास। अच्छा तो आप केएफसी जाते हो, आपको मे भी वो चीज अच्छी ना लगे तो वो अगेन वो कहेगा कि भाई आपको मैंने जाना ही नहीं है, तो वो आपको साथ एक लव लेटर दे के भेजते हैं, तो कि भाई ये एक टोमेटो लव लेटर है, एक गार्लिक लव लेटर है, ये साथ लेके जाओ, और जब आप लव लेटर देखोगे तो आपने खुद महबूब के कदमों में आ जाना, तो फिर आप महबूब कदमों में होता है, फिर आप केएफसी के कदमों में होते हो ठीक है। सो ये अबैंडन चेकआउट होता है,
कोई कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आया, उसने आने के बाद इंटरेस्ट शो किया, आप चीज परचेज की सारी डिटेल्स एंटर कर ली, लेकिन जब उसने मे बी शिपिंग का देखा या उसने ऑर्डर प्लेस नहीं किया, डेटा एंटर किया लेकिन उसने ऑर्डर प्लेस नहीं किया, कैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, नहीं 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 कौन सा स्टोर खोल लो यार, बच्चों की प्राइवेसी होती है, मेरे माइंड में बच्चों के स्टोर भी नहीं याद आ रहे। स्टोर खोलूंगा तो आप उनकी प्रोडक्ट चोरी कर लोगे, उन्होंने मेहनत करके प्रोडक्ट्स निकाली हुई है, इसलिए मुझे भी तो फिर किसी की प्राइवेसी एनहेंस नहीं करनी, मेरे पास तो बड़े स्टोर हैं। ये वन प्रोडक्ट स्टोर है, इसका मसला कोई नहीं होता, bellamish.com। ये देखो अभी देखो ये एक स्टोर है, ये भी मेरे एक स्टूडेंट का पठान है, हमारा पठान है, क्वाइट ऐसे बिलोंग करता है, ये बहुत गुस्से वाला बंदा ये, ठीक है। अभी देखो इसकी इसके ये प्रोडक्ट मंगवाई थी इसने, मेरे से 450 मंगवाया था, सेल करके बैठा हुआ अभी, इसको डेली कॉल कर रहा होता है, सर जी सोर्स का करते हैं, सोर्स का करते हैं कुछ, ठीक है। अब मैं आपको इसकी एग्जाम्पल देता हूँ, ये आपके पास आया, ठीक है। अब ये देखो ये एक अपने प्रोडक्ट कस्टमर, मैं कस्टमर था, मैंने एड देखा, मैं इस वेबसाइट पे आ गया। अब आने के बाद मैं बाय नाउ पे क्लिक करता हूँ, मैं बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ लिखता हूँ मेरा फर्स्ट नेम है हमजा, मेरा फोन नंबर है 03000000, ये फोन नंबर रेफर्स करो, एड्रेस मेरा है लाहौर कैंट, ठीक है, तो ये हमने चेंज कर लिया, DHA phase 6 है, ठीक है। उसके बाद सिटी है लाहौर, उसके बाद ईमेल मैं लिख देता हूँ itshamza81@gmail.com, ठीक है, और मैं इसको सब। अब मैंने ये सारी चीज़ें एंटर की, मैंने एक प्रोडक्ट देखी, मुझे प्रोडक्ट पसंद आई, मैंने परचेज पे क्लिक किया, मैंने सारी चीज़ें लिखी और मैंने कंप्लीट ऑर्डर नहीं किया और मैं यहाँ से कैंसिल, मैंने कहा यार फर्क करो, मेरा दिल नहीं कर रहा, मैं कैसे जाके चला गया। ये अबैंडन चेकआउट ने इसका डाटा सर्च कर लिया, इस अबैंडन चेकआउट के ऊपर इसका नाम भी आ जाएगा, इसका एड्रेस भी आ जाएगा, इसका मोबाइल नंबर भी आ जाएगा, इसका ईमेल भी आ जाएगा, सब कुछ। आप उसे कॉल करो, उसे कॉल करके क्या पिच देनी है ये मैं आपको कस्टमर साइकी वाला आपका एक लेक्चर होगा उसमें दूंगा। आपने से ये नहीं कहना सर आपने हमारी वेबसाइट पे ऑर्डर प्लेस किया था लेकिन आपने वो कंफर्म नहीं किया, ये हो गया वो हो गया, तो क्या हम उसे कंफर्म करने, ये नहीं कहना, उसको डायरेक्ट बताओ सर आप अस्सलाम वालेकुम, मैं डिगेट मतलब मैं प्रोडक्ट bellamish.pk से बात कर रहा हूँ, अस्सलाम वालेकुम मैं bellamish.pk से बात कर रहा हूँ, आपने हमारी वेबसाइट पे क्रिस्टल डीप एक्सप्लोरेटिंग ग्लव का ऑर्डर प्लेस किया था सर, वो इंशाल्लाह 3 से 4 दिन तक आपके पास पहुंचे। उससे कहो कि तुमने जो ऑर्डर करना था ये तुमने किया है, जो करना था तुम नहीं करके गए वो तुम्हारा कंफर्म हो चुका है, वो 3 से 4 दिन तक ऑटोमेटिकली तुम्हारे पास पहुंच जाएगा, वो कहेगा ठीक है कोई मसला नहीं, डन ऑर्डर कंफर्म। जब आप उसे ये पूछोगे, आप कंफर्म ऑर्डर भी होगा ना, आप उसे ये पूछोगे सर क्या हमको कंफर्म करें, वो बंदा सोच में पड़ जाएगा। आपने सिंपल उसे ये पिच देनी है, कभी भी आपको ऑर्डर है अस्सलाम वालेकुम मैं bellamish.com से बात कर रहा हूं, आपने सर हमारी वेबसाइट पे क्रिस्टल हेयर मूवर का ऑर्डर प्लेस किया था तो वो इंशाल्लाह 3 से 4 दिन तक आपके पास पहुंच जाएगा। अब मैं ये काम करता नहीं हूँ क्योंकि आमना कारी होती है तो मुझे इसलिए इसका आइडिया नहीं है, ओके का डन है, इजी सीन है, तो बस ठीक है। तो आपने सिंपल क्या करना है कि वो ऑर्डर उसको प्लेस कर देना, उसको ऑर्डर कन्फर्म। सो ये अबैंडन चेकआउट की समझ आ गई यहाँ तक, मैंने दो चीज़ें पढ़ाई, होम फजूल है, ऑर्डर समझाया कि ऑर्डर आते हैं, और अबैंडन चेकआउट के अंदर क्या है, जो बंदा आपकी वेबसाइट पर आएगा और आने के बाद चीज़ खरीदेगा नहीं वैसे चला जाएगा, वो अबैंडन चेकआउट होता है। यहां तक आप लोगों को समझ आ गई है मुझे चैट में बताओ। यहां तक समझ आ गई पिल्ले पिल्ले। अच्छा अब ये हो गया चीन, अब आते हैं नीचे वाले, ये प्रोडक्ट समझाता हूँ और ऑनलाइन स्टोर समझाता हूँ बाकी मैं। अच्छा ये जो दो चीज है ना, ये पहले यहां से शुरू करते हैं, प्रोडक्ट को फिलहाल के लिए साइड पे रखो, इसको आज करना है क्योंकि पिछले लेक्चर में भी इसको नहीं किया था, और इसी के लिए तो आज लेक्चर रखा हुआ था कि सबको समझ आ जाए। अब बताए कस्टमर्स का सेक्शन नहायत ही फजूल, ये अंधों में कान्हा राजे वाला सवाल है, एक मिनट आप लोग वेट करो यार। यार अस्सलाम वालेकुम, अब मैं ना अभी के क्लास ले रहा हूँ तो मैं थोड़ी देर तक निकलता हूँ, फिर हम आते हैं ट्रैक पे आता हूँ इंशाल्लाह। अच्छा ये अब एक सेक्शन आता है कस्टमर्स का। कस्टमर्स के सेक्शन नहायत ही फजूल सेक्शन,
पता नहीं शॉपिफाई को क्या दौरा पड़ा था उन्होंने बना दिया, इसका कोई मकसद नहीं है। जो ऑर्डर्स के अंदर आती है ना चीज वही कस्टमर में आती है। ऑर्डर के अंदर सिर्फ आपको ये लिखा होता है कि इस बंदे का नाम ये एड्रेस ये, कस्टमर के अंदर सिर्फ उनके नाम्स लिखे हुए, नाम लिखे, नाम्स मेरी इंग्लिश देखो, नाम्स नाम लिखे होते हैं, ठीक है। इसका बिल्कुल फजूल तरीन चीज है ये। आगे तक कॉन्टेंट आ जाता है। दुनिया में ना दो चीजें फजूल है, एक तो जो बेला बंदा वो फजूल है, और एक ये इसके अंदर कंटेंट वाला सेक्शन फजूल है। ना मेटा ऑब्जेक्ट इसके अंदर काम की चीज है, और ना इसके अंदर फाइल्स काम की चीज है। ये वाला सेक्शन बिल्कुल फजूल है। आप मुझे वो बंदा ढूंढ के दिखाओ जो मैं जो बात बता रहा हूँ ना, आप इसको रिसर्च जरूर करना, ढूंढो जो बंदे मतलब काम कर रहे हैं, उनसे पूछो कि भाई कभी जिंदगी में तुमने कस्टमर वाला सेक्शन यूज किया। अगर वो हाँ कह जाए ना तो आप आपको बताओ, मैं आपको ये भी समझा दूंगा। हालांकि मुझे पता है, लेकिन मैं इसको फजूल, नहायत फजूल तरीके से, और ये एक कंटेंट वाइज ये फजूल है। आगे आती है एनालिटिक्स। आती है एनालिटिक्स जो होती है ना, ये आपको बताती है आपके दिन के ऊपर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है इस पूरे खाने में ना। पहले खाने में ये इससे ऊपर ऊपर दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, एक एनालिटिक्स इंपॉर्टेंट है, और एक प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है। ये सॉरी तीन चीजें, ऑर्डर जहां ऑर्डर आते हैं, मैंने बड़ा डिटेल से ये चीज समझाई है, 30 मिनट लगा के समझाई है, हले भी किसी ने समझ ना आई तो मैं जुती ला लेनी है, तो फिर मैं ठीक है। और दूसरी चीज एनालिटिक्स, एनालिटिक्स इंपॉर्टेंट है, और तीसरी चीज क्या है, प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी हम चलते हैं एनालिटिक्स के ऊपर। एनालिटिक्स के ऊपर ना सिर्फ एक ये वाला सेक्शन इंपॉर्टेंट है, और एक ये वाला सेक्शन इंपॉर्टेंट है। चूंकि आई एम योर टीचर, सो इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आप लोगों को सारी चीजें बताऊँ, ठीक है। तो इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। अब तुम लोगों को यह ना लगे कि मुझे इंग्लिश ही नहीं आती। सो एनालिटिक्स के ऊपर ना पहला जो ये ब्लॉक होता है ना, ये जो पहला डब्बा होता है, इस डब्बे को कहते हैं नवाज शरीफ। इसके ऊपर पता लगता है कि कितनी करप्शन हो रही है। समझ रहे हो बात को? नहीं समझ रहे, समझ जाओ। ये जो बताता है, ये पहला सेक्शन बताता है कि आपको कितनी सेल्स रिसीव हो रही है डेली बेसिस की। जब से ब्रांड शुरू, आप डेली की भी देख सकते हो, अगर फर्ज करो आप कहीं बाहर चले गए, आप ये भी देख सकते हो मेरी टीम कितना काम कर रही है। अल्लाह ताला जब इंशाल्लाह आपका बिजनेस एक्सटेंड कर देगा, ठीक है, आप फिर यहाँ से देख लो कि मुझे कल कितनी सेल्स आई थी। मैं 15 का देखता हूँ, मुझे 15 की कितनी सेल्स आई थी। ये बता रहा 15 को अभी माशाल्लाह जीरो थी, क्योंकि ये स्टोर अभी चला नहीं है ना, तो अभी ये बंद ही पड़ा हुआ, तो सेल्स कहाँ से आनी है। तो इसी तरह ये कहेगा 16 को कितनी सेल्स आएगी, 16 को, तो 16 को दिखा दो। फिर ये आपको ये भी दिखा सकता है कि आपको एक तारीख से लेके अभी तक कितनी सेल्स रिसीव हुई है। तो ये देखो, मतलब बिजनेस का हर चीज बताएगा। देखो उसने बता दिया कि एक तारीख से लेके 1 मार्च से लेके 16 मार्च तक आपको 84 सेशंस रिसीव हुए हैं, माशाल्लाह। सॉरी 1 अप्रैल से लेके, सॉरी ये देखो 1 अप्रैल से लेके 16 अप्रैल तक आपको 84 लोगों ने देखा है। ये सिर्फ उन बच्चों का होगा जो पेड थीम यूज कर रहे हैं, क्योंकि उनका स्टोर ऑटोमेशन पे रैंक हो रहा है। आपको मैं चैलेंज कर रहा हूँ, आप एक फ्री स्टोर बनाओ, उसके ऊपर ये चीजें कभी भी नहीं आएंगी। ना उसके ऊपर ऑडियंस रीटारगेटिंग होगी, ना ऑडियंस कैचअप होगी, ना अबैंडन चेकआउट के ऊपर ऑडियंस को रीटारगेट किया जाएगा। ये देखो ये बता रहा है कि 10 मई को 33 लोग इसकी वेबसाइट के ऊपर आए, क्योंकि प्रोडक्ट ही कोई लगी तो उन्होंने आगे छनकना करना था, वैसे ही वापस चले गए। उन्होंने आगे क्या करना था ना, उनको उनको तो फ्री में कैचअप भी नहीं दे रहे। तो यहाँ बना लिख के लगा देता है ईद मुबारक टू ऑल, कुछ भी नहीं। 33 बंदे वेबसाइट पे आए लेकिन उन्होंने किया ही कुछ नहीं, ठीक है। सो ये देखो ये बता रहा है कि ये फिर आपको बता रहा है कि 1 तारीख को आपके आपको माशाल्लाह 3 लोगों ने देखा, फिर आपको 5 तारीख को ये 5 लिखा हुआ है, 5 के बाद ये 11 लिखा हुआ साइड पे, 5 को आप लोग 11 लोगों ने देखा, फिर आपको 9 अप्रैल को 33 लोगों ने देखा, और अभी ये बता रहा है कि आज आपको 2 लोगों ने देखा। समझ आई बात की? ये सेक्शन बताता है कि आपको कितनी डेली की सेल्स रिसीव हुई है। डेली लगा लो, मंथली लगा लो, यहाँ से पता लग जाता है। आप टुडे पे करोगे तो आपको टुडे की नजर आ जाएगी, यहाँ से यस्टरडे पे करोगे तो यस्टरडे की नजर आ जाएगी, यहाँ से आपको ये पता लग जाएगा पिछले 7 दिनों में कितनी सेल्स रिसीव हुई है, 7 दिन का देख लो, यहाँ से पता लग जाएगा पिछले 30 दिन में कितनी रिसीव हुई है, और यहाँ से इस तरह ये चीजें बनी हुई, ठीक है। तो हम टुडे पे यूजली जाते हैं, तो ये बता रहे टुडे पे कितनी, ये बताते हैं कितने लोग आपकी वेबसाइट पे हैं। ये तो बता रहे हैं कितनी सेल्स रिसीव हुई, कितने ऑर्डर्स आए, ये बता रहे हैं कितने लोग आपकी वेबसाइट पे आए हैं। सेल्स का मतलब है ऑर्डर्स, ये बता रहे हैं कितने लोग, मतलब 100 बंदा आएगा तो 10 ऑर्डर आते हैं फर्ज करो, तो 10 ऑर्डर में कितने पैसे बने वो यहाँ नजर आएगा, और कितने लोग आपकी वेबसाइट के आने के बाद वो इधर नजर आएगा। रिटर्निंग कस्टमर रेशो, सॉरी रिटर्निंग कस्टमर रेट, ये बताता है कि कितने लोग आपकी वेबसाइट को देख के चले गए दोबारा सर्च करने के बाद। वो ऑटोमेटिकली उन्होंने गूगल किया कि मेरे स्टोर का नाम balamish.com था, उन्होंने balamish.com वो किया। समटाइम ऐसा होता है आपका चीज देने को दिल कर रहा है,
लेकिन माशाल्लाह आपके पास पैसे इतने ज्यादा होते हैं कि आप नहीं खरीद पाते, तो आप कहते हो उसका नाम या तो सेव कर लेते हो, या उस वीडियो को डाउनलोड कर लेते हो, या उसका नाम सेव कर लेते हो, या उसे किसी दोस्त को सेंड कर देते हो। मैं करता होता था बहुत पहले जब छोटा होता था, ठीक है, अभी मैं कौन सा 80 साल का हो गया, मतलब 3-4 साल पहले की बात है, ठीक है। तो क्या होता था कि वो फिर मैं जब मेरे पास पैसे आते थे फिर मैं उनको मैं करता था, फिर मैं कोई चीज़ ऑर्डर कर लेता, तो ये वो चीज़ है, ये वैसे इतना यूज नहीं होती। उसके बाद आते हैं जी कन्वर्जन रेट, बिल्कुल फजूल चीज़ है, इसका कोई फायदा नहीं है। ऑर्डर एवरेज वैल्यू, बिल्कुल फजूल चीज़ है। और ये टोटल ऑर्डर, कितने ऑर्डर आपको एक दिन में रिसीव होंगे, यहाँ उस उनकी सेल मतलब एक अगर आप एक प्रोडक्ट फर्ज करो 300 की बेच रहे हो, 10 ऑर्डर रिसीव होते हैं, सो 3 × 10 = 30, मतलब आपको 3,000 रुपये यहाँ शो होगा, लेकिन आपको यह बताएगा कि आपको कितने ऑर्डर, मतलब 10 ऑर्डर रिसीव हुए तो आपको यहाँ 10 लिखा आ जाएगा। समझ आई बीती है रानी? नहीं आई, दोबारा समझा देता हूँ। टोटल सेल्स के ऊपर सेल्स कितनी आएंगी, मतलब अगर आपका एक 300 रुपये की प्रोडक्ट है वो आपके 10 सेल हुई है एक दिन में, तो आपको यहाँ 300 की एक है ना, तो 300 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो 3,000 रुपये बन गया, तो 3,000 यहाँ लिखा नजर आ जाएगा। ये बताएगा कि कितने 100 बंदा आया था, 100 में से 10 ऑर्डर आए, 10 लोगों ने चीज खरीदी है, तो आपको टोटल सेशन मतलब 100 बंदे आए हैं। किस टाइम बंदे आते रहे हैं, मतलब 12 बजे आए हैं, 4 बजे आए हैं, देखो ये टाइम भी बता रहा, 8 बजे आए हैं, 12 बजे आए, ऐसे ही ग्राफ ऊपर नीचे होगा कि आपको किस टाइम कितने बंदे आए हैं, ठीक है। ये फजूल चीज़ है, ये बताता है कि कोई बंदा आपका लिख के, मतलब एक बंदा देख के चला गया दोबारा वापस आया, वो बताता है, इसका फायदा ही कोई नहीं है। ये कन्वर्जन रेट कितना आ रहा है, इसका भी फजूल है। ऑर्डर एवरेज वैल्यू मतलब कितने का ऑर्डर आ रहा है, 300 रुपये का ऑर्डर ना ये आपको बताएगा, आपको 300 रुपये के ऑर्डर मजीद आ रहे हैं, ये आपको टोटल ऑर्डर। ये सेक्शन एनालिटिक्स का कवर हो गया, और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। टॉप प्रोडक्ट ये पाकिस्तान में ये कुछ भी नहीं चलता, बाहर भी ये कुछ नहीं चलता, फजूल चीज़ है। हाँ, एक ये आपको चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको बताता है कि सेशन बाई डिवाइस टाइप, कि आपको किस डिवाइस से सेशन आए, मतलब कि आप लोग मोबाइल से देख रहे हैं या डेस्कटॉप से देख रहे हैं। अभी देखो ये कह रहे हैं कि 2 सेशन मुझे डेस्कटॉप है, अभी देखो मैं आप लोगों को पीसी पे पढ़ा रहा हूँ ना, मतलब लैपटॉप पे पढ़ा रहा हूँ, तो ये अभी सेशन चल रहा है लैपटॉप डेस्कटॉप का, ठीक है। सो ये डेस्कटॉप का सेशन चल रहा है ना, कि मतलब कितने लोगों ने आपको डेस्कटॉप से देखा वो भी बताएगा, कितने लोगों ने आपको मोबाइल से देखा ये भी बताएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं रिपोर्ट, नहायत ही फजूल चीज़ है, इसी चीज़ को उन्होंने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, रिपोर्ट आ जाएगी कि ये बिल्कुल फजूल है। लाइव व्यू, कहाँ से लोग आपको देख रहे हैं, आप ये भी बता पाओगे? देखना अभी मुझे, अभी मैं पता करता, देखो वो पहली वाली चीज़ आ गई, अभी ये मुझे बताएगा कि देखो टोटल 3 सेशन हो गए, पहले 2 से 3 हो गए, अभी मैं इसको दुनिया को घुमाता हूँ। ये देखो अभी ये जिस भाई का है ना स्टोर thestuff.pk, ये अगर लड़का अनस, आप मुझे कोशिश करो कि आप हो अनस, किधर रहते हो अनस, आप मुझे सिंपल सिर्फ अनस मैसेज करेगा और कोई भी नहीं। अनस आप अवेलेबल हो? अनस मुझे मैसेज करो कि आप अवेलेबल हो। आ गया अब्दुल्ला, अब्दुल्ला सैयद अब्दुल्ला, अब्दुल्ला अब्दुल्ला, अब मैं आपको ना अनम्यूट करता हूँ। अब्दुल्ला अब्दुल्ला अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम हमजा भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र। अब्दुल्ला कहाँ से बात कर रहे हो आप? मैं कराची से। अब ये अब्दुल्ला मुझे कह रहा है, अब आप लोगों ने सुना उसने क्या कहा, अब्दुल्ला ने मुझे कहा कि मैं कहाँ से बात कर रहा हूँ, मैं कराची से बात कर रहा हूँ, कराची का लोंडा बात कर रहा है माड़ा, ठीक है। तो कराची का लोंडा बात कर रहा है, वो कह रहे हैं कि देखो ये पाकिस्तान है, ये बगैरत इंडिया है, ठीक है, जो हमारी वर्दी की इज्जत नहीं करता, मैं उसको कभी भी रिस्पेक्ट नहीं देता, कंट्री इज ऑलवेज फर्स्ट प्रायोरिटी, ये बगैरत इंडिया है। और ये देखो अभी देखो 5 लोग इस वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं आप लोगों के सामने, पता नहीं एक तो मुझे ये नहीं चीज समझ आती। अभी देखो आप में से कोई किसी बच्चे ने इसका स्टोर ओपन किया, उसने सर्च किया इसको, देखो उसने 4 बच्चों ने स्टोर ओपन विजिट करना शुरू कर दिया, देखा विजिटर्स बढ़ रहे हैं क्यों सब। अभी देखो मैं बताता हूँ कैसे, अभी अब्दुल्ला से मेरी बात हुई, अब्दुल्ला ने मुझे कहा कि सर मैं कहाँ से बात, अभी देखो ये बता रहा है, एक बच्चे ने सियालकोट से देखा इसका, एक ने कराची से अब्दुल्ला देख रहा है, एक वाकेंट से देख रहा है, ठीक है, मेरे पास तो चलो क्या हुआ ना। अभी देखो ये बता रहा है कि अभी अब्दुल्ला से मेरी बात हुई, अब्दुल्ला मुझे कह रहा था कि मैं कराची से बात कर रहा हूँ, तो कराची पाकिस्तान का ये वाला हिस्सा आता है जाना, मैं बस थोड़ा सा टाइम लगना है, बहुत फरी पूछ रही है, बस चलते हैं इसी सीन में। गाड़ी का कह रहे हैं कि घर से ले आओ, गाड़ी किधर है? मेरी वाली गाड़ी,
अच्छा मैं आता हूँ ना, मैं क्लास ले रहा हूँ, उनको इजी करना उनको, मैं क्या आता हूँ। अच्छा अब ये देखो, ये अब्दुल्ला से मेरी अभी बात हुई, अब्दुल्ला कहता है कि मैं किधर हूँ, मैं कराची में हूँ। यार सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ आप लोगों को, बस वो पहले तो स्टीफन बोलता रहा तो। अच्छा ये आपको अभी देखो, अल्लाह माफ करे कितने मनुष्य लोग हो यार आप लोग, सबने उसकी वेबसाइट खोल ली है, 12 विजिटर राइट नाउ, ओए 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 बहुत मनहूस लग रहे हो सारे। अब देखो अब्दुल्ला तो ये बैठा हुआ कराची वाली साइड पे, ये देखो पाकिस्तान की ये साइड कराची की है, ये देखो ये इंडिया बगैरत इंडिया, और बगैरत इंडिया के साथ ये क्या है कराची, ठीक है यार कोई खुदा का खौफ करो, दो मिनट छोड़ दो उसकी जान। उसके बाद ये देखो कराची के साथ ही एक बंदा ने और ओपन कर लिया है। तो ये जो आपके पास लाइव व्यू होता है ना, ये बता रहा होता है कि stuff.pk के ऊपर जितने लोग ऑन द टाइम कहाँ से आपको देख रहे हैं, सिर्फ आप जज कर सकते हो। देखो मुझे पूरी दुनिया से कोई बंदा नहीं देख रहा, ठीक है पूरी दुनिया से कोई भी नहीं देख रहा। ओ यार शिट, मैंने वो बंद ही कर दिया, चलो कोई नहीं वो खुल जाएगा। मुझे पूरी दुनिया में से कोई भी नहीं देख रहा, कोई भी नहीं देख रहा, 15 बंदे भी देख रहे हैं। देखो मैं पूरी दुनिया में घूमता हूँ, ये तुम्हारा भाई इंग्लैंड पहुंच गया, ये देखो ये कह रहे कि भाईजान ये बगैरत इंडिया के साथ हम बैठे हुए यहाँ इस जगह बैठे हुए, और यहाँ बैठ के हम लोग क्या कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, हम यहाँ बैठ के इनको देख रहे हैं। अब देखो वो बता रहे हैं, अभी आप लोगों की जब क्लास स्टार्ट हुई कितने सेशन से, 2। अब लड़कों ने उसको देखना शुरू कर दिया उसकी वेबसाइट को, तो ये बताना शुरू हो। अब ये सिर्फ लिक्विड एज थीम के ऊपर होता है, अनलिक्विड एज थीम के ऊपर ये नहीं चीजें होती, ठीक है। सो ये सारा सीन है, ये देखो अभी बता रहा है कि 5 सेशन आपको लाहौर में से, 5 बंदे लाहौर में से माशाल्लाह देख रहे हैं, लाहौर लाहौर है, 2 कराची में से देख रहे हैं, 1 चीचा वतनी से देख रहे हैं, अल्लाह माफ करे चीचा वतनी से देख रहे हैं लोग माशाल्लाह। अब तो तुम्हारे भाई को पूरी प्रॉपर सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आना शुरू हो गया यार, शर्ट्स वगैरह भेज दो, मैं साइन करके भेज दूँ, फिर मे भी मौका ना मिले। अच्छा ठीक है, तो ये सीन है। अभी ये वो चीज होती है जो आपको लाइव व्यू दिखा रहा है, भाई बंद करो इसको, लोग देखना शुरू हो गए हैं, इसलिए मैं स्टोर्स के नाम लेता। अब देखो मैंने बता दिया ना stuff.pk, अब ये बच्चा कोई भी प्रोडक्ट हंट करेगा ना, आप लोगों ने सबसे पहले देखना है नाम। मैं यकीन करो ऐसी ऐसी मुझे पाकिस्तानी मिलते हैं, ऐसे से मिलते हैं, वो पता है क्या सीन होता है उनको, मैं बता दूं ना ये स्टोर है, वो बंदा तब साजी हम सैचुरेशन में पड़ गए, आपने हमारा स्टोर क्यों बताया। अब मैंने सिर्फ अभी बताया कि यार ये स्टोर है, अभी आपके क्लास के अंदर ही देखो चेंजिंग आ रही है इसके अंदर, अभी 12 से शुरू हुआ 17 बंदे इसको एट अ टाइम देख रहे हैं। कोई खुदा का खौफ करो मरा, कोई थोड़ा शर्म उन हया उन मजीद उन शदीद उन, ठीक है। तो ये आपको बताते हैं कि आपको इतना, ये इसका कोई फायदा ही वैसे कोई नहीं था। आगे चलते हैं, मजाक बड़ा हो गया, 20 सीरियस। अब आते हैं जी मार्केटिंग के ऊपर। अब ये पूरा जो कोर्स आगे जाके होना है ना, अभी देखो अभी 82 सेशन, अभी 105, अभी मैं दोबारा एनालिटिक्स में आता हूँ ना, अब देखना यहाँ 2 डेज के सेशन 20 लोगों ने आज अभी ऑन द स्पॉट देखा देखा इसको। देखो ये चीजें प्रैक्टिकल साथ साथ, और एक चीज होता है मैं सिर्फ बातें सुनाऊं कि यार ये हो जाएगा वो हो जाएगा, एक चीज होता है हम साथ साथ एक्शन परफॉर्म करें, ठीक है। अभी ये साथ साथ एक्शन परफॉर्म हो रहा है, और समझे हो बुजुर्गो, पहले मुझे मैसेज बताओ इसमें चैट में, एक तो यकीन करो तुम्हें हर 2 मिनट बाद तुमसे पूछना पड़ता है, बताओ कि समझ आई है। हाय हाय हमजा भाई, docs.pk चेक करो, ये 50-50 कौन कह रहा है, सही बोल से यम यम सर, अब तो पठान भी समझ जाए। अच्छा एक मिनट, ये 50-50 कौन, तलहा क्या है, तलहा हैंड रेज करो, कहाँ चीज समझ नहीं आई, तलहा और किसी ने नहीं करना, मैं बाकियों को समझाऊंगा, सिर्फ तलहा हैंड रेज करे, तलहा हैंड रेज करो, तला चलो बोलो, तलहा तू मेरा पुत्र छुट्टी कर। बोल भी लो यार, 3 मिनट से वेट करो, अस तक फिर 3 मिनट थोड़ा, ठीक है। सो ये चीज बिल्कुल बेसिक है और कुछ नहीं। अच्छा चला इसको रिवाइज करना, कोई मसला होगा ना मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना, मैं आपको आंसर कर दूंगा, ठीक है। अच्छा अब मार्केटिंग के अंदर एनालिटिक्स समझ आ गया, रिपोर्ट समझ आ गया, रिपोर्ट के अंदर फजूल सेक्शन है, और लाइव व्यू समझ आ गया, फारे करा दो। अब हम चलते हैं जी ऑनलाइन स्टोर, आज हम लोगों ने सिर्फ यहाँ तक कर लिया। सेटिंग जो है ना वो सारी जब हम मेटा शुरू करेंगे ना, मेटा के अंदर सेटिंग,
मेटा जब मूव करेंगे तो वो आज ये शॉपिफाई और शॉपिफाई कुछ भी नहीं है। अब आपसे कोई प्रो से प्रो बंदा भी माइक लाल उठ से भी आता ना कि भाई ये चीज है, ठीक है। अब इसको एक दफा रिवाइज कर देना, ठीक है। अभी देखो कितने मनूस लोग हैं, मैंने बंद किया ना सेक्शन, उन्होंने भी बंद करना शुरू कर दिया। पहले 17 बंदे थे, अब 13 हो गए। तो आज अभी हम उसके बाद आते हैं ये, अब देखो ये नीचे जाता है सेल्स चैट, ये डिस्काउंट तक हो गया। मार्केटिंग ये होती है कि आप मार्केटिंग शॉपिफाई के थ्रू करो पैसा। अगर तो आप कोई मोहम्मद बिल गेट्स के बच्चे ना लोग, हम दोस्तों में ना बिल गेट्स को कहते हैं, अगर आप बिल गेट्स के बच्चे हो फिर आप यहाँ पैसा लगा सकते हो। लाइक अगर आप बिलियंस ऑफ डॉलर कमाते हो तो आप कोई 1 लाख डॉलर इधर लगा दो, कोई मसला नहीं। अगर आप यहाँ कंपेन है कि आप शॉपिफाई से कंपेन रन करने चाहते हो तो फिर आप ये कोर्स कर ही क्यों रहे हो, फिर सिर्फ शॉपिफाई सीख लो। शॉपिफाई की कंपेन फजूल होती है, ऑटोमेशन होती है कि कंपेन ऑटोमेशन पे चलती रहे, ये भी बिल्कुल फजूल होती है, कोई फायदा नहीं है। पूरी जिंदगी इंटरनेशनल दुनिया में कोई बंदा शायद से यूज ना करते हो, बहुत ही 0.00001% यूज करते हो। डिस्काउंट आ जाता है, डिस्काउंट अगर आपने डिस्काउंट देना है, ऑफर लगानी है, पहले तुम अपना पैसा तो थोड़ा निकालो ना। जब आपके स्टोर्स मतलब मिलियंस में सेल माशाल्लाह चली जाएंगे फिर तब डिस्काउंट भी लगा लेना। सिंपल क्रिएट डिस्काउंट पे क्लिक करो, कितने परसेंट डिस्काउंट देना वो लग जाएगा, इसमें मसला नहीं है। लेकिन ये यूज नहीं करना, कभी भी यूज नहीं करना। मैं आवाम को लूट लूट मर गया हूँ, 300 के प्रोडक्ट 1700 में बेच रहा हूँ, 1800 में बेच रहा हूँ, कोई डिस्काउंट नहीं। पाकिस्तानी आवाम यार सीधी सी बात है, जो बंदा चीज खरीदता है ना 1700 की, वो इस काबिल होता है कि वो चीज खरीदता है। कोई भी बंदा इतना लोला नहीं होता कि वो आई आपसे चीज खरीद ले। सिंपल अमीर आवाम ही खरीदती है, तो अमीर आवाम को मैं बड़ा बड़ा हैवी जैकेट लगाता हूँ, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पॉइंट ऑफ सेल, फजूल चीज है नहायत ही, बल्कि मैं इसको खत्म ही करता हूँ। हम तुमको खत्म करेगा, तुम हमारा दुश्मन है, ये खत्म मेरे ख्याल नहीं हो रही अभी फिलहाल। पॉइंट ऑफ सेल बिल्कुल फजूल है। अब आते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम, यहाँ से हम फेसबुक और इंस्टाग्राम को एक सिंगल क्लिक से कनेक्ट कर देंगे। अभी देखो इस भाई का कनेक्ट है ना, देखो ये कह रहे हैं रन एड्स ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, ये देखो एक्टिव है क्योंकि इसने कनेक्ट किया, पिछले कोर्स का बच्चा ना तो इसने कनेक्ट किया होगा। सिंपल क्लिक करना है ऐड ऑन, अभी अपनी ऐड कैंपेन पता है इसको थोड़ी चीजें, ये अब्दुल्ला की जिससे अभी मैं बात कर रहा था उसी का स्टोर है, इसने वैसे मुझे अपना नाम अनस बताया था बाय द वे। तो ये मतलब सारा सीन है, ठीक है। ये देखो एक्टिव है कि मतलब आप कंपेन रन कर सकते हो। बाकी रह गया अब दो चीज रह गई, प्रोडक्ट रह गया और ऑनलाइन स्टोर रह गया। अब आप जरा तख्ते खास हो के हमसे हम कलामी कर रहे हैं, ठीक है। प्रोडक्ट वाला सेक्शन बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ये इतना जरूरी है कि जितना जरूरी आप इसे समझेंगे ये उतना जरूरी है, ठीक है। अपनी वेबसाइट के ऊपर क्या चीज बेचनी है, कौन सी प्रोडक्ट बेचनी है, वो प्रोडक्ट हम यहां से ऐड करेंगे ना, वो हमारी वेबसाइट पर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी। समझे हो नहीं समझे? हमारी वेबसाइट के ऊपर यहाँ जो प्रोडक्ट बिकनी है, जो लोग आएंगे उनको यहाँ जो प्रोडक्ट शो हो, वो हम यहाँ से शॉपिफाई में ऐड करते हैं। प्रोडक्ट वाला सेक्शन ओपन करेंगे। अच्छा बाय द वे प्रोडक्ट वाला सेक्शन पे मैंने देखो, जब मैं क्लिक करता हूँ ना, ओहो जैसे मैं प्रोडक्ट वाले होम पे आया, मैंने ये प्रोडक्ट वाले सेक्शन पे और मैंने मुझे कॉल आ रही है, किसकी कॉल आ रही है भाई जान, फ्री कॉल आ रही है, एक मिनट यार। अस्सलाम वालेकुम फ्री, अस्सलाम वालेकुम अहमूद, तो ऑन है बस ना, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, तकरीबन 15-20 मिनट चाहिए। ओके ओके अच्छा अब ये देखो, ये प्रोडक्ट वाला मैंने होम पे था, होम से मैं प्रोडक्ट पे आया, जैसे ही मैंने प्रोडक्ट वाला सेक्शन ऑन किया ना, ठीक है, अब ये मुझे उसके नीचे तीन उसने कलेक्शन इन्वेंट्री ट्रांसफर और गिफ्ट कार्ड, ये नहायत फजूल चीजें हैं, नहायत शॉपिफाई के अंदर आधी फजूल चीजें। मेरे पास शॉपिफाई का मैं ओनर हूँ ना, सीरियसली मैं ये चीजें खत्म कर दूँ, इनका यूज ही कहीं नहीं होता, ठीक है। अब ये कलेक्शन कहता है कि ये कलेक्शन गुल अहमद जैसे, ये हमारे स्टोर्स के लिए फजूल है, वैसे दूसरे जो कपड़े बेचते हैं ना उनके लिए है। जैसे उन्होंने गुल अहमद के ऊपर देखो ना, अब मैं यहाँ गुल अहमद ओपन करता हूँ, गुल अहमद, अब यहाँ कलेक्शंस लिखी होंगी, गुल अहमद की अपनी वेबसाइट है, अब यहाँ आप कलेक्शन में ये कलेक्शंस लगी हुई हैं, क्या आप लॉन की 23-23 ओपन, ये कलेक्शंस आ गई सारी लॉन की कलेक्शन, ठीक है। लेकिन हमारे स्टोर पे कलेक्शन, हमने कलेक्शन बेस में नहीं जाना, कलेक्शन बेस में प्रॉफिट नहीं होता, ये मेरी बात याद रखना। इनके फिजिकल स्टोर्स होते हैं इसलिए इनको प्रॉफिट होता है, क्योंकि लोगों को पता होता है मैं गुल अहमद की वेबसाइट ही ऑर्डर कर लेती हूँ, क्योंकि इनका नाम बना होता है, इनकी ब्रांडिंग हुई होती है। तो आपकी तो ब्रांडिंग नहीं हुई है ना, आपने ब्रांडिंग करनी है,
अभी कलेक्शन आ गया, इन्वेंट्री आ गया कि इन्वेंट्री स्टोर करनी है, फजूल चीज आगे, ट्रांसफर आ गया बिल्कुल फजूल, ट्रांसफर ये कभी यूज नहीं हुआ कि मतलब आपने एक प्रोडक्ट दूसरे स्टोर पर ट्रांसफर करनी है, फजूल चीज। आगे गिफ्ट कार्ड आ गया कि हम आपको गिफ्ट कार्ड भी साथ देने हैं, खुद तो पहले कमा लो गिफ्ट भी देते रहना बाद में, आपने पूरे नहीं पढ़े लोगों को तुम गिफ्ट देना शुरू कर दो। तो इसके अंदर पहली चीज ये सिर्फ प्रोडक्ट पे क्लिक करना, जो पहला पेज आ रहा है ना प्रोडक्ट का पेज, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ प्रोडक्ट ऐड करनी है, आपने ऐड अ प्रोडक्ट करना है। आप फर्ज करो मैं क्रिस्टल हेयर रिमूवर ऐड करता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ मैं क्रिस्टल हेयर रिमूवर, ठीक है मैं ये ऐड करता हूँ और मैं इसकी इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ। मैंने ये जैसे ये इमेज है, मैं इसकी ये एक इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ, इसको मैं सेव इमेज गूगल से पिक्चर उठानी है, ठीक है। अब देखो मैं जैसे ऐड करूँ ऐसे ही आपने प्रोडक्ट्स ऐड कर लेनी है, इंशाल्लाह आपका स्टोर कल से आपको मिलना शुरू हो जाएंगे, तो साथ साथ आपको स्टोर भी मिलते रहेंगे, साथ साथ आप काम भी करते रहिएगा। जैसे ये प्रोडक्ट मैं ऐड कर लेता हूँ, ये इजी, इसको मैं ऐड कर लेता हूँ, सेव इमेज पे क्लिक किया, इसको मैंने सेव कर लिया, सिंपल जैसे हम गूगल से इमेज डाउनलोड करते हैं, ये एक ये प्रोडक्ट है ये ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। और इसको मैंने सेव इमेज पे क्लिक किया और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अब मैं ऐड अप, इधर देखो मैंने तीन प्रोडक्ट्स यहाँ सेव कर लिए, देखो मैंने तीन प्रोडक्ट सेव कर लिए। अब मैं यहाँ ऐड अ प्रोडक्ट पे क्लिक करूंगा, कैसे हम अपनी वेबसाइट पे प्रोडक्ट ऐड करते हैं यहाँ, ठीक है। ऐड अ प्रोडक्ट पे क्लिक करूंगा, अब मेरे सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब वो कहता है कि भाईजान इसका नाम क्या, टाइटल क्या रखना है, आप टाइटल कैपिटल में रखना है, क्रिस्टल हेयर प्रोडक्ट का नाम क्या रखना है, क्रिस्टल हेयर रिमूवर, ठीक है। डिस्क्रिप्शन क्या रखना है, आसान तरीका बताता हूँ, आसान से आसान तरीका। अब स्टोर कैसे दिखाऊं आपको, दिखाई देता हूँ, चलो क्या याद रखते प्रोडक्ट, ये अर्पुन का स्टोर है, ठीक है। अब इस स्टोर के ऊपर यहाँ प्रोडक्ट लगी हुई क्रिस्टल हेयर रिमूवर, ठीक है। ये लोगों की चोरी करनी है अपना, ये मैंने बड़ी मेहनत से देखी, लेकिन आप लोग चूंकि आप लोगों के लिए हम थोड़ा फायदा सोच रहे हैं, इसलिए आप लोग थोड़ा ये जो लोगों के स्टोर पे डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है ना इमेजेस के साथ, इसको कॉपी करो, ठीक है, इसको कॉपी कर लो, कॉपी करने का पैराग्राफ में पेस्ट करो, देखो वही डिस्क्रिप्शन इमेजेस, कुछ भी नहीं करना पड़ा, पेस्ट हो गई, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ प्रोडक्ट लिखी, प्रोडक्ट का नाम लिख देना क्रिस्टल हेयर रिमूवर, उसका डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लेनी किसी भी स्टोर से। मीडिया, मीडिया का मतलब है कि आपने अपने स्टोर के ऊपर कौन कौन सी वो लगानी है, तो तुम थोड़ा नीचे चले जाओ, आप इस पिक्चर को उठा के, इस पिक्चर को उठा के इधर फेंको, फिर इस पिक्चर को उठा के इधर फेंको, और फिर इस पिक्चर को उठा के जो आपने मतलब डाउनलोड की होंगी इधर फेंको, ठीक है, ये सेव होगी। वो कहता है प्राइस, अब ये गौर से समझना है ये सेक्शन क्या कहता है, प्राइस कौन सी रखनी है, प्राइस आपने रखनी है कि आप लोगों ने प्राइस कौन सी रखनी है, प्राइस आपने रखनी है कि जो एक्चुअल प्राइस में आप सेल कर रहे हो। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, अब आपका अगर मुझे बच्चे पहले दिन में से क्वेश्चन हुआ था, अभी मुझे याद है, देखो मेरी याददाश्त कितनी अच्छी है, कि सर जी वो स्टोर पर लिखा होता है कि 1600 की प्रोडक्ट है लेकिन हम आपको 999 में दे रहे हैं, वो कैसे लिखा जाता है, वो ऐसे लिखा जाता है, आप स्टोर पे गए आपने लिखा ये प्राइस कितने में एक्चुअल सेल करनी है, मैं फर्ज करो मैं कहता हूँ मैं 999 में सेल करनी, फर्ज करो इतने में ये सेल नहीं होती, लेकिन ये फर्ज करो मैं कहता हूँ 1600 की प्रोडक्ट थी, अवाम को वैसे ही बता रहा हूँ ना, हालांकि पीछे से तो 300 की मिल रही है, मैंने कहा अवाम को बता दूं कि 1600 की प्रोडक्ट थी लेकिन 999 में हम दे रहे हैं, ये लिखना है। कॉस्ट पर आइटम को आप कर दो, इसको नहीं छेड़ना, ठीक है, कॉस्ट पर आइटम ये बता, ये अगर कॉस्ट पर आइटम क्या आता है कि आपको पीछे से कितने की सोर्स कितने की हो रही है, 310 की फर्ज करो सोर्स हो रही है, तो आपको बता रहा है कि आपको प्रॉफिट 600 689 रुपये आपको प्रॉफिट है। तो अगर इसको इसी को हम बेचें, एक पीस को हम बेचें 1600 रुपये, 1600 रुपये का बिकता है कम से कम, तो इसके अंदर से 1290 रुपये प्रॉफिट आता है एक पीस की सोल्ड होने पर, ठीक है। 80% प्रॉफिट मार्जिन किस बिजनेस में आपको निकल के दिखाता है, बच्चे बड़ा निकालते हैं सर, बहुत निकलता है पैसा, ये आपको वैसे ही आपको कैलकुलेशन बता रहा है, ठीक है। ट्रैक क्वांटिटी, इसको अनट्रैक कर दो, वो कहता है फिजिकल प्रोडक्ट है मेरी, बिल्कुल फिजिकल प्रोडक्ट है, इसको इसको डिस्चार्ज करोगे तो कहता है कि उसका वेट कितना है, हर प्रोडक्ट आप जितनी भी प्रोडक्ट हंड करनी है ना, तो मैंने आपको पहले बताया था उसका वेट 1 kg से कम हो, तो कोई भी तुक्का मार लो उसका 0.7 kg है तो ग्राम लगा लो, तो बस उसके बाद ये कहते हैं। अब उसके बाद इसको क्या करो, आयल इसको वल स्टेबल कर दो, इसको आप सिंपल यहाँ से सेव कर दो। अब ये प्रोडक्ट आपकी यहाँ सेव हो गई है, अब आपने सिंपल प्रोडक्ट पे दोबारा क्लिक करना है, प्रोडक्ट पर आप देखो ये यहाँ क्रिस्टल हेयर रिमूवर शो हो गया, लेकिन ये आपकी वेबसाइट पे भी शो नहीं हुई। वेबसाइट पे कैसे शो होनी है ये मैं आप लोगों को कल बताऊंगा, कल के सेक्शन में हम ये पढ़ेंगे और कल के सेक्शन में हम अपने मेटा की सेटिंग्स के ऊपर कंसंट्रेशन देंगे। ईद पे अगर आपकी क्लासेस होंगी
अब आप लोगों ने अपने अपने स्टोर के ऊपर जो जो प्रोडक्ट ऐड करनी है, जो आपने हंट की हुई है, वो इस तरह ऐड करते हो, कोई मुश्किल नहीं, बिल्कुल बेसिक सी चीज है। लेकिन वो भी वेबसाइट पे नहीं आएगी, वेबसाइट पे एक एक तरीका और करना पड़ता है, फिर ये वेबसाइट पे लाइव हो जाती है, यहाँ यहाँ सामने नजर आ जाती है। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है कि अपने आप लोगों ने जो जो प्रोडक्ट्स हंट की हुई हैं, वो यहाँ आने के बाद, अभी ये ऑनलाइन स्टोर में वो जाके ऑप्शन आती है, ये मैंने नहीं अभी आपको पढ़ाया, प्रोडक्ट के सेक्शन में आपने इधर से ऐड अ प्रोडक्ट, कैसे प्रोडक्ट ऐड करते हैं, जो जो प्रोडक्ट आप लोगों ने हंट की हुई है वो वल ऐड उन शदीद उन मजीद उन जितनी ऐड करना चाहो कर लो। ठीक है, यहां तक सब बच्चों ने काम करना है। अब मैं क्वेश्चन की तरफ जाता हूँ, थोड़ा सा हंसला पूछो, क्या क्वेश्चन पूछना है, जल्दी 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 पूछो, बॉयज वेट कर रहे हैं, जल्दी पूछो। हमजा मीमोन, हंसला मीमोन कैसा नाम रखा, मेमन होगा यार, मेमन, लेकिन आई विल कॉल यू मीमोन। मीमोन कैसे हो, तल्हा साहब, जल्दी जल्दी क्वेश्चन पूछो। सर वो मैंने वही वाला पूछना था, जब पहले वो सर्कल दिखाया था ना, वो उधर एकदम बारिश आई ना, तो मैं ऐसे बाहर चला गया था, तो मुझे वो वाली समझ नहीं आई थी थोड़ी, जब वो फिर मैं उसमें देख लूंगा। मैं तो लेक्चर दोबारा रिपीट होगा, सबने दोबारा देखना है एक दफा, तो आप भी दोबारा देख लेना। जब आप कह रहे थे मतलब जो प्रोडक्ट हंट करनी है, मतलब वो ऐसे ही है ना प्रोडक्ट, मतलब हम पिक्स वगैरह उसके हम बस सेव कर लेंगे, हंट करनी है हमने और लगानी इसी तरह से सेव करनी, एक दफा इस लेक्चर को दोबारा देखते हैं, आपको इजीली समझ आ जाएगी। चलिए ठीक है सर। जी अहमद, आपने कहा था कि आप हमें मतलब प्रोडक्ट के लिए हमें बंदा प्रोवाइड करेंगे, तो हम उसके पहले अपॉर्चुनिटी हमारी चाहिए कि पहले उससे बात करें या फिर हम लोग पहले फिजिकल मार्केट विजिट करें। पहले आप फिजिकल मार्केट विजिट करो, वो बंदा जो मैं प्रोवाइड करूंगा ना उसके पास होती है कुछ नहीं होती, करो, वो इंपोर्टर है बेसिकली, वो इंपोर्ट करता है बाहर से प्रोडक्ट्स। अस्सलाम वालेकुम, बस पांच मिनट और बस मैं आ रहा हूं। तो जो आप लोगों ने पहले फिजिकल, मैं हमेशा रिकमेंड, आप भी क्लास में एक मैम वो बेसिकली एक दिन फिजिकल मार्केट गई और वो कहती कि मैं हैरान रह गई कि फिजिकल मार्केट, मैंने शायद उसकी वॉइस भी शेयर की थी उनकी, वो कहती है कि फिजिकल मार्केट एक दफा विजिट जरूर करके आओ यार, कुछ भी नहीं होता एक दिन। मेरा एक स्टूडेंट है, यकीन करो वो फुल गर्मी में जाता है फिजिकल मार्केट विजिट करने, वो एक दिन गया है, उसको 3 से 4 प्रोडक्ट का सोर्स मिला है, अब उसकी अच्छी खासी सेल स्टार्ट हो गई है। ठीक है, अच्छा बॉयज, मसला ये है कि हम, मैं ना अभी, माजरत है, आपके जितने भी क्वेश्चन है मैं किसी का आंसर करूंगा।